सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया है। ऐसे में कोरोना काल के बीच जेईई और नीट को टालने की मांग उठ रही है। ट्विटर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ आरआईपी एनटीए ट्रेंड कर रहा है। वहीं छात्रों के सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एनटीए को इस मामले पर कल तक अपना फैसला देने के लिए कहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो यही सब कुछ देखते हुए जो एनटी के महानिदेशक हैं, उनकी टीम को हमने पीछे के दिनों में ये अनुरोध किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी कमेटी बना करके और इस पर विचार करें और सभी स्थितियों का आंकलन करके वो कल तक हमको अनुशंसा दें, ताकि इन परिस्थितियों में कोई एक ठोस निर्णय लिया जा सके, ताकि जो छात्र छात्रा है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। जेईई मेन परीक्षा आईआईटी और एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा एक साल में दो बार जनवरी और अप्रैल में आयोजित की जाती है। अप्रैल की परीक्षा जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब इसे 18 जुलाई से 13 जुलाई तक आयोजित किया जाना है। सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।